Hi students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you are preparing for your exams. So, कल की वीडियो आई होप आपको पसंद आई हो. ऑडिट कमेटी एज पर कंपनीज एक्ट है, मैंने वो वीडियो इस तरीके से बनाई थी नोट्स के हिसाब से कि सेक्शन और सब सेक्शन आपको साथ साथ में आई हैव बीन प्रोवाइडिंग. तो बेस्ट चीज़ तो यही होती है कि कॉपी पेन या जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वो साथ साथ में आप लिखते रहो और सारे फ्लो चार्ट्स आपके पास है, चाहे स्क्रीन शॉट्स आप ले सकते हो या साथ साथ में बनाओ. द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप नोट्स अपने साथ साथ में बनाओ, बिकॉज इट मेक्स द नोट्स बेटर. वाई? बिकॉज इट्स इन योर हैंड राइटिंग, राइट? तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. तो उसी की पार्ट टू वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिट कमेटी एज पर सेबी LODR रेगुलेशंस, ऑफकोर्स जिसकी एप्लीकेबिलिटी लिस्टेड कंपनी पे आती है. बट इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ फील फ्री टू चेक द कॉन्टेंट दैट आई क्रिएट. एंड आई एम एन अनअकैडमी एजुकेटर एज वेल फॉर CSET, एंड हेयर आई गिव टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फ्यू and you know all the relevant academic lectures for executive and for professional as well. So feel free to check the content I create, feel free to subscribe to my channel and like the video and share my videos with your friends as well. So audit committee ko companies act mein 177 section se to humne samajh liya, section sub section sab kuch samajh liya. Agar aapne wo video nahi dekhi, you can go back and watch the video. Also agar video nahi mil rahi hai to us video ka link aapko company law रिविजनरी सीरीज़ में भी मिल जाएगा. मैंने कल भी बताया था ये टॉपिक प्रोफेशनल पे भी मदद करेगा, ये टॉपिक एग्जीक्यूटिव में भी मदद करेगा, बिकॉज दोनों ही लेवल्स पे ऑडिट कमेटी का क्वेश्चन आता है, सॉरी सब्जेक्ट आता है, चैप्टर आता है, सॉरी. सो रेगुलेशंस लर्न कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है. तो ऑडिट कमेटी सेबी LODR रेगुलेशंस 18 में आता है, 18 सब रेगुलेशन 1. सबसे पहले अगेन वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी से ही हम शुरुआत करते हैं. अब सेबी है तो ऑब्वियसली इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड कंपनी, राइट? सेबी है तो इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड कंपनी. नंबर वन, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए एज मेंबर्स, राइट? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए एज मेंबर्स, राइट? नंबर वन. नंबर टू, अब यहाँ पे बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती. अगर आप कंपनीज एक्ट में देखोगे, कंपनीज एक्ट इज़ अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू सेबी. मैं बच्चों को पहले भी बताती हूँ, राइट? अगर आपको लगता है कि कंपनीज एक्ट और सेबी में से कौन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, सो लेट मी टेल यू, कंपनीज एक्ट बहुत बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है. उसके पीछे मैं रीज़न आपको बताती हूँ. कंपनीज एक्ट एक जनरल एक्ट है जो हर टाइप की कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, सो दे कान बी रिजिड कि आपने ऐसा करना है, आपने वैसा करना है. लेकिन जो सेबी है या जो सेबी की रेगुलेशंस हैं वो लिस्टेड कंपनीज पे आती हैं, और लिस्टेड कंपनीज में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बिकॉज पब्लिक का बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है. सो ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी सीन, राइट? सो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए एज मेंबर्स. अब जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो कहता है मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ये कहते हैं कम से कम 2/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट? सो दे आर वेरी पर्टिकुलर विद मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू विल सी हियर, राइट? सो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए, और 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 2/3 मेंबर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, राइट? उसके बाद थर्ड, लेकिन कहते हैं कि अगर ये एक ऐसी लिस्टेड एंटिटी है जिसमें आउटस्टैंडिंग SR इक्विटी शेयर्स हैं, यानी कि आउटस्टैंडिंग स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स हैं, उस केस में सारे के सारे मेंबर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए. तो जो स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, कभी कभी उनमें डिविडेंड एक्स्ट्रा होता है या वोटिंग राइट्स ज़्यादा होती हैं, तो उन केसेज में हमें और भी ज़्यादा कॉशियसली फैसला लेना पड़ता है, और उन केसेज में हम जो मेम्बर्स हैं उन्हें कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रखते हैं, ठीक है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में तो आपने पढ़ लिया, मैंने डायरेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ाया था. देखो वहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर होता है, क्योंकि उसका कोई इंटरेस्ट एज सच नहीं होता, उसे पता है मुझे तो मेरी सिटिंग फीस मिल ही जानी है, तो वो अनबायस्ड डिसीजन देता है. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थ पॉइंट, अच्छा अब सेबी इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग. अगर आपको याद हो हमने 177 में क्या पढ़ा था कि ऑडिट कमेटी जो है उसमें मजॉरिटी प्लस जो चेयरपर्सन है वो रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करने की एबिलिटी रखने चाहिए, कि वो उन्हें अंडरस्टैंड भी करें और उन्हें समझे भी. मजॉरिटी के साथ हम चले जाते हैं, ठीक है? उसके पीछे अगेन वही रीज़न, कंपनीज एक्ट है, सब पे एप्लीकेबल है, लेकिन सेबी ऐसे नहीं कहता. सेबी बहुत क्लियरली एक बात कहता है कि सारे के सारे फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए. यहाँ वो मजॉरिटी वाला किस्सा नहीं है. फाइनेंशियली लिटरेट का वही मतलब होता है. फाइनेंशियली लिटरेट का मतलब है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड भी कर सकते हो, उन्हें अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, लेकिन सेबी क्या कहता है कि सारे के सारे फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, और कोई एक जो है वो एक्सपर्ट भी होना चाहिए. अब यहाँ पे ये चीज़ें काम आती है कि सारे के सारे फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए और कोई एक जो है अकाउंटिंग या रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपर्ट भी होना चाहिए.
नंबर फिफ्थ, चेयरपर्सन शुड बी इंडिपेंडेंट. जो चेयरपर्सन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. अब यहाँ पे दे आर वेरी कैटेगराइज कि भाई चेयरपर्सन भी इंडिपेंडेंट हो. अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछते हैं क्यों. देखो चेयरपर्सन का रोल वैसे तो आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ. चेयरपर्सन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे उसके पास कुछ ऐसा डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता, लेकिन कास्टिंग वोट होता है. ऑल्सो चेयरपर्सन की ना एक चीज़ हमेशा याद रखो कि एक एक ओहदे की भी एक अथॉरिटी होती है. कोई चेयरपर्सन की सीट पे बैठा है और कोई डायरेक्टर की सीट पे बैठा है, फर्क होता है. सो वी हैव टू ब्रिंग दैट पर्सन जो इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट फैसले ले सके, राइट. एंड ही हैज टू बी प्रेजेंट एट ऑल द जनरल मीटिंग्स टू आंसर द शेयर होल्डर्स क्वेरीज. अब ये पक्की बात होती है. ये जो ऑडिट कमेटी का सारा कार्यक्रम हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि पब्लिक का पैसा प्रोटेक्ट हो सके. तो कल को जब AGM होगा, जिसमें शेयर होल्डर्स आएंगे, जिसमें इन्वेस्टर्स आएंगे, वहां पे इस चेयरपर्सन का होना बहुत ज्यादा रेलेवेंट है. सिक्स्थ, ऑडिट कमेटी एट इट्स डिस्क्रीशन, अपनी मर्जी से. डिस्क्रीशन वर्ड बहुत जगह में आपको नजर आता है लॉ में. सो डिस्क्रीशन का मतलब होता है अपनी विल से, या हिंदी में बोलूं तो अपनी मर्जी से इनवाइट कर सकते हैं. अगर उनका मन करता है तो वो इनवाइट कर सकते हैं अपनी मीटिंग में फाइनेंस डायरेक्टर को, फाइनेंस फंक्शन के हेड को, इंटरनल ऑडिट के हेड को, स्टैचुरी ऑडिटर के किसी रिप्रेजेंटेटिव को, या किसी भी एग्जीक्यूटिव को. देखो सीधी सी बात है, ऑडिट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट फाइनेंस नाउ अडेज, इट इज ऑलमोस्ट एक्सटेंडिंग टू ईच सेक्टर, राइट. लेकिन मैं फिर भी हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि पैसा कभी भी या क्वांटिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती. आई रिमेंबर टेकिंग अ क्लास फॉर दिस प्रोफेशनल एंड वन स्टूडेंट सेड, तो मैम क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी को ओवरपावर करती है. नहीं, हम आज भी अगर क्वालिटी के पीछे भागते हैं, उसका रीजन यही है कि क्वालिटी देंगे तो क्वांटिटी आएगी. प्रॉफिट हमेशा हमारा एम होता है. तो हम जितना भी बोले यार हम अपने एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान रखते हैं, हम अपने कस्टमर्स के लिए ये वो फलान ढमकान करते हैं, ठीक है इन सब का, लेकिन मोटिव क्या है कि कस्टमर हमारे पास ज्यादा है, एम्प्लॉयज हमारे पास रिटेन रहे, और उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है, प्रॉफिट. प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है. सो विल या मर्जी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. सो ऑडिट कमेटी अपनी डिस्क्रिशन पे इनवाइट कर सकती है फाइनेंस डायरेक्टर को, हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन को, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टैचुरी ऑडिटर को, एनी अदर एग्जीक्यूटिव को, टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, प्रोवाइडेड दैट ओकेजनली. हाँ, अब यहाँ पे भी ये चीज आई, ऑडिट कमेटी को इन सबके बिना भी मिलना चाहिए. ठीक है, पता क्या होता है, अगर आप उन्हीं लोगों के साथ मिलते रहोगे, आप ओपनली अपनी बातें डिस्कस नहीं कर सकते. ऐसा ही होता है ना कि अगर आप कंटिन्यूअसली यू आर हैविंग दिस मीटिंग विद पीपल, जिसमें फाइनेंस डायरेक्टर भी है, वो भी है, तो आप अपनी बात को खुल के नहीं बोल पाओगे, क्योंकि वो अपना बोलते रहेंगे, आपको हाँ हाँ हूँ हूँ करना पड़ेगा. हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू नीड दैट स्पेस. यू नो जो मीटिंग्स होती हैं, आप देखो मीटिंग्स ऐसे प्लान करी जाती हैं ताकि हर कोई अपनी बात बोल सके. सो ओकेजनली ऑडिट कमेटी को बिना इन सारे लोगों के प्रेजेंस से भी मिलना चाहिए, ताकि वो ओपनली बातों को डिस्कस कर सके. एंड कंपनी सेक्रेटरी शैल एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द ऑडिट कमेटी. कंपनी सेक्रेटरी सारी कमेटियों के सेक्रेटरी होते हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी है एज पर रेगुलेशन 18. ये फर्क है हमारे इसमें, क्या नाम क्या बोला था, कंपनीज एक्ट में 177 और रेगुलेशन 18 में. यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है. यहाँ वो कहते हैं मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिनमें से 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए. अगर आउटस्टैंडिंग SR इक्विटी शेयर्स हैं तो सारे ही इंडिपेंडेंट होने चाहिए. चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सारे के सारे फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, और एक एक्सपर्ट भी बीच में होना चाहिए. ऑडिट कमेटी को बार बार मिलना है, अपनी मर्जी से मिले, अपनी मर्जी से फाइनेंस डायरेक्टर सबको बुलाए, और कभी कभी इन सब के बिना भी मिले, और कंपनी सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटरी बनेगा. तो ये सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलती हैं, राइट. और इसके आगे, अच्छा ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन है कि फाइनेंशियली लिटरेट क्या होता है, वो मैंने तुम्हें बताई दिया. रीड एंड अंडरस्टैंड, वही चीज जो कंपनीज एक्ट में इजी भाषा में लिखी थी दैट दे नीड टू रीड एंड अंडरस्टैंड, यहां थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके बता दिया. तो फाइनेंशियली लिटरेट. नंबर टू, अ मेंबर शैल बी कंसिडर्ड टू हैव अकाउंटिंग और रिलेटेड. अच्छा, अब ये एक्सपर्टीज वाला क्या बात है. देखो एक्सपर्टीज वाले में ना आप CA को लेके आ सकते हो, आप MBA को लेके आ सकते हो. इसमें जरूरी नहीं होता कि कोई मतलब एक डिग्री का ही चाहिए, ऐसा कुछ भी लिमिटेशन नहीं कि हमें CA ही चाहिए. ना ना ना, डिग्री वाला चाहिए डिग्री वाला ले लो, एक्सपीरियंस से काम चलता है एक्सपीरियंस ले लो. कोई CEO है, कोई CFO है, कोई सीनियर ऑफिशियल है जो फाइनेंशियल ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आया. बेसिकली हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो प्रॉपर एक्सपर्ट है, जो इन चीज़ों को बढ़िया से डील कर सकता है, राइट. ये बस उसकी एक्सप्लेनेशन है.
आगे चलते हैं रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 2 में। अब ये जो मीटिंग्स है ऑडिट कमेटी की, अब कंपनीज एक्ट में तो मैम आपने हमें बताया नहीं था, उसके पीछे रीजन ये है कि कंपनीज एक्ट बहुत फ्लेक्सिबल है, वो कहते हैं कि जो मर्जी करो, बोर्ड बता दे, बोर्ड नहीं बता रही है, कोई एक्ट बता रहा है एक्ट बता दे, या अपने आप से आप डिसाइड कर लो। सो कंपनीज एक्ट इज नॉट एट ऑल रिजिड व्हेन इट कम्स टू कमेटीज, बिकॉज कंपनीज एक्ट का एक बहुत बड़ा पोर्शन जाता है बोर्ड के पास। कंपनीज एक्ट ये अज्यूम करती है कि भाई बोर्ड बना दिया ना, अब बोर्ड की जिम्मेदारी, कमेटी किसने बनाई, बोर्ड ने बनाई, अब बोर्ड की सिरदर्दी है। लेकिन सेबी ऐसी नहीं है, सेबी ने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है, तो सेबी इज लाइक नहीं यार हम बताएंगे। सो मीटिंग्स ऑफ द ऑडिट कमेटी कितनी बार होती है, कम से कम कहते हैं 4 बार मिलना है, ये बोर्ड मीटिंग के हिसाब से मिलते हैं, कम से कम 4 बार, जिनमें 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेम एज बोर्ड मीटिंग्स, ठीक है, सेम एज बोर्ड मीटिंग्स, अगर पहले पढ़ा होगा याद आ जाएगा, वरना अगला टॉपिक हम बोर्ड मीटिंग्स ही करेंगे। सो 4 बार मिलना है, जिसमें 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, कोरम भी सेम है 2 और 1/3 विच एवर इज ग्रेटर, जिसमें 2 कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, 4 बार मिलना है, नॉट लेस देन 120 डेज का गैप होना चाहिए, कोरम जो है 2 या 1/3 ऑफ द ऑडिट कमेटी होनी चाहिए विच एवर इज ग्रेटर विद एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, राइट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पावर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी के पास पावर्स क्या क्या होती हैं, तो सेबी ने एक्चुअली इसे बहुत पावर्स दे रखी है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट रोल में तो बहुत कुछ है। पावर्स में इन्वेस्टिगेट करना, नंबर 1 पावर इन्वेस्टिगेट, किसी भी काम को इन्वेस्टिगेट, क्योंकि ऑडिट तो होता ही इन्वेस्टिगेशन है, राइट, कल को आप जब ट्रेनिंग्स करने जाओगे या जो प्रोफेशनल वाले उन्होंने ट्रेनिंग कर रहे हो या करी हुई है, तो आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में ऑडिट होता क्या है, ऑडिट होती ही इन्वेस्टिगेशन है, चीर फाड़ करना चीज़ों की, यू नो, इन्वेस्टिगेशन करना, इट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन ऑडिट, राइट, तो ऑडिट का काम ही ये है, यहाँ पे भी वो अलाउड है। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज से बातचीत करना, बिल्कुल एम्प्लॉयज से पूछना क्या चीज़ कैसे हो रही, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे आप जो है लीगल या अदर आउटसाइड लीगल या अदर प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकते हो। अगर ऑडिट कमेटी को लग रहा है कि मेरे को बाहर से किसी की एडवाइस लेनी है, बेशक लो, कोई आपको नहीं रोक रहा, अगर आपको किसी आउटसाइडर की एडवाइस सीख करने की ज़रूरत है, गो हैड एंड सीक द एडवाइस, कोई आपको नहीं रोकेगा, राइट। एंड लास्टली, अब क्या होता है, अब बहुत बार क्या होता है, आप चले गए किसी के ऑफिस में, ठीक है, लीगल या प्रोफेशनल एडवाइस आपने ले ली, कुछ पूछना है आप पूछने चले गए, लेकिन अब मान लो कि आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में हो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल है, आपको कोई डॉक्यूमेंट शो करना है, आपको कुछ ऐसा, मतलब आप उस बंदे के ऑफिस में नहीं जाना चाहते, तो आप उसको बुला लो, ठीक है, सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर्स विद रेलेवेंट एक्सपर्टीज। कहीं पे भी आपको लगता है कि हमें आउटसाइडर की ज़रूरत है, यू नो, रेलेवेंट एक्सपर्टीज उसके पास होनी चाहिए, तो आप उससे भी बुला सकते हो। सो ये 4 मेजर पावर्स हैं ऑडिट कमेटी की, इन्वेस्टिगेटिंग, सीकिंग इन्फॉर्मेशन, लीगल एंड प्रोफेशनल एडवाइस एंड अटेंडेंस, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जी रोल, रोल इसका बहुत इलैबोरेट, सेबी ने तो मतलब इतना एलैबोरेट किया ना, कंपनीज एक्ट अगेन इतना एलैबोरेट नहीं करती, बट सेबी अगेन आई वुड से द सेम थिंग कि सेबी थोड़ा ज्यादा ही चीज़ों को इलैबोरेट कर रहा है। सो कुछ कुछ चीज़ें सेम होती हैं, अगर आप फ्रॉम द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू कहते हो, वैसे समझने को सब समझ जाओगे, तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें, इसमें थोड़ा 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा होंगे, उसमें कमी होते हैं, राइट, इट इज़ लाइक दैट। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग प्रोसेस जानना, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट, सफिशिएंट एंड क्रेडिबल बने, ये सबसे पहला काम है ऑडिट कमेटी का, सबसे पहला यही काम होता है कि प्रॉपरली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो है यू नो वो करना, क्या कहते हैं, चेक करना, वो करेक्ट होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए एंड क्रेडिबल होनी चाहिए, राइट, वो करेक्ट होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए एंड क्रेडिबल होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, रिकमेंडेशन करना, अपॉइंटमेंट की, रेमुनरेशन की एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की, ठीक है, अपॉइंटमेंट क्या है, रेमुनरेशन क्या है और टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है ऑफ ऑडिटर्स। देन अप्रूवल ऑफ पेमेंट टू स्टैचुरी ऑडिटर्स, अब स्टैचुरी ऑडिटर्स को कितनी पेमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें करना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना। देखो सबसे पहली चीज़, जब ऑडिट कमेटी आता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें सब इनको बोल दो, बिकॉज दे आर एक्चुअली डूइंग ऑल दीज थिंग्स, नंबर 1। दूसरी चीज़, स्टैचुरी ऑडिटर से रिलेटेड जो चीज़ें, उसको अपॉइंट करना, उसकी रिकमेंडेशन, उसको अपॉइंट करना, उसकी रेमुनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सब चीज़ों की रिकमेंडेशन भी यही करते हैं। उसके बाद DRS बनता है एक, उसे हम कहते हैं डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ये इंक्लूड होता है बोर्ड्स रिपोर्ट के साथ, इसमें जो मैटर्स रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड है वो देखना, राइट, इनमें ना ये सारा इसी का हिस्सा है,
इसमें कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या और ऑडिटर रिपोर्ट में, दोनों चीज़ें देखनी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी और ऑडिटर्स रिपोर्ट भी, इन दोनों चीज़ों में क्या क्या चीज़ें देखनी है, DRS के मैटर्स देखने हैं, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज तो नहीं हुआ, चेंज हुआ तो क्या रीज़न है, अकाउंटिंग मेजर अकाउंटिंग एंट्रीज तो नहीं हुई जो आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, कोई सिग्निफिकेंट, कोई बहुत बड़ी एडजस्टमेंट्स तो नहीं हुई है जो ऑडिट फाइंडिंग में निकली है कि भाई ये चीज़ कैसे एडजस्ट हो गई, कंप्लायंसेस बराबर से हुए या नहीं हुए, RTP की डिस्क्लोजर्स हुई या नहीं हुई, कोई भी मॉडिफाइड ओपिनियन है तो वो भी आपने इंक्लूड करना है. सो ऑल इन ऑल ऑडिट कमेटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, बोर्ड्स रिपोर्ट से रिलेटेड, ऑडिटर्स रिपोर्ट से रिलेटेड, उसका डिस्क्लोजर, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एंट्रीज, सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट्स, इन सब का डिस्कशन करना है, इन सब के बारे में बताना है. उसके बाद अब क्या होता है ना कि सिर्फ एक ही बार तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती नहीं है. अगर आप बड़ी कंपनीज की बात करते हो, लिस्टेड कंपनीज की बात करते हो, अगर आप, मैं सिंपली बताती हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट देखते हो, ठीक है, उसमें आप देखते हो, देखोगे क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं, क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसी है, तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाई जाती हैं. सो बिफोर द सबमिशन ऑफ द बोर्ड, पहले ऑडिट कमेटी उसे रिव्यू करेगी, ठीक है, मैनेजमेंट के साथ रिव्यू करेगी, स्टेटमेंट, यूजर्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. देन रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस. ऑडिटर की इंडिपेंडेंस और परफॉर्मेंस को रिव्यू करना एंड मॉनिटर करना एंड उसकी इफेक्टिवनेस चेक करना. अप्रूवल और एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ द लिस्टेड एंटिटी विद रिलेटेड पार्टीज, स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स और असेट्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी वेयर एवर इट इज नेसेसरी, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स. मतलब ये सारी चीज़ें आप देखो ना, असेट्स को देखना, इंटर कॉर्प, ये सेम आ गया, ठीक है, वैल्यूएशन का पॉइंट सेम आ गया, इंटर फाइनेंशियल कंट्रोल्स का पॉइंट सेम आ गया, इंटरनल ऑडिटर्स और बाकी सारी चीज़ों को देखना, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को देखना, राइट, देन डिस्कशन करना इंटरनल ऑडिटर्स के साथ, यू नो, कोई भी फाइंडिंग्स. देखो इनका काम मेजरली क्या है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ. स्टैचुरी ऑडिटर ने अगर कोई फाइंडिंग्स निकाली उनके बारे में देखना, ऑडिट रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, इससे पहले कि बोर्ड के पास जाएं, पहले इनके पास आनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को देखना, राइट, स्टैचुरी ऑडिटर्स के साथ डिस्कशन करना, इंटरनल ऑडिटर्स के साथ डिस्कशन करना बिफोर द ऑडिट कमेंसेस, उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम है, सब्सटैंशियल डिफॉल्ट्स है, मतलब ऑल एंड ऑल इट्स ओनली रिवॉल्विंग अराउंड ऑडिट, यू नो, फंक्शनिंग विसल ब्लोअर मैकेनिज्म. विसल ब्लोअर मैकेनिज्म आई थिंक आप सबको पता होगा, जब इम्प्लॉई जो है एम्प्लॉयर के फ्रॉड के बारे में जो है मतलब उसका खुलासा कर देता है एक तरीके से, दैट इज विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म. अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आ गया आफ्टर असेसिंग द क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड, यू नो, वो सारी. अब ये सिर्फ स्टैचुटरी ऑडिटर को नहीं देख रहे, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को भी देख रहे हैं, राइट, कोई और फंक्शन है वो देख लेना, यू नो, रिव्यू करना यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो 100 करोड़ से ज़्यादा है या 10% ऑफ द असेट साइज है, विच एवर इज लोअर, राइट, 100 करोड़ से ज़्यादा के लोन्स अगर उनकी यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है, 10% ऑफ असेट साइज, राइट, विच एवर इज लोअर, एंड रैशनल कॉस्ट बेनिफिट्स, और कोई भी मर्जर, कोई भी डी मर्जर, कोई भी अमेलगमेशन हो रही है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है. तो 22 है, तो 22 आपने लर्न नहीं करने, ठीक है, अगर आपको वैसे समझने हैं तो ऑनेस्टली, अगर सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू जो आपने कंपनीज एक्ट में पढ़े यहां पे भी वो आप सेम लिख सकते हो, क्योंकि वो है. उसके अलावा ज्यादा पॉइंट्स कहां पे आए कि इन्होंने इंटरनल ऑडिटर को भी ज्यादा मतलब अहमियत दे रहे हैं, ये स्टैचुरी ऑडिटर से भी ज्यादा, मतलब पॉइंट्स अगर आप देखो तो ज्यादा बनाए गए हैं कि इससे भी बात करो, इससे भी डिस्कशन करो, 3-3, 4-4 पॉइंट्स हैं, तो इट इज लाइक दैट. लेकिन अदरवाइज आप वो भी कर लोगे तो आप यहां पे रेप्लीकेट कर सकते हो. दिस पॉइंट इज मेजरली इंपॉर्टेंट कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट में ये सारी चीजें ये देखते हैं. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर ये पॉइंट समझ लोगे तो चल जाएगा, राइट. उसके बाद अब वहां पर बात खत्म नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बोला मैंडेटरीली, मतलब कंपल्सरीली, इट इज ऑब्लिगेटरी कि ये चीजें तो ऑडिट कमेटी ने रिव्यू करनी ही करनी है. क्या चीजें? नंबर वन, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस. जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी सेल परचेज सब हो रहा है, उसका मैनेजमेंट डिस्कशन करना, उसकी एनालिसिस करना, राइट. मैनेजमेंट लेटर्स, लेटर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस इशूड बाय स्टैचुरी ऑडिटर्स. देखो, ऑडिट कमेटी का काम है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ऑडिट फाइंडिंग में ये पता चला कि भाई इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस है, तो उसे रिव्यू करो, उसे देखो कमी कहाँ है, उसे सुधारो. बनाया क्यों है ऑडिट कमेटी को? इसीलिए तो बनाया है, राइट. ऑडिट करने के लिए हमारे पास इंटरनल ऑडिटर्स भी हैं, स्टैचुरी ऑडिटर्स भी हैं, लेकिन ऑडिट कमेटी उनके ऑडिट को और बेहतर करती है.
इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स अगर आ रही है सेम इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस पे, इसका मतलब है कंपनी इज लैकिंग इन समथिंग, राइट? द अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड टर्म्स ऑफ रेमुनरेशन ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर शैल बी सब्जेक्ट टू बी रिव्यू बाय द ऑडिट कमेटी. अगर चीफ इंटरनल ऑडिटर ने कोई अपॉइंटमेंट, कोई रिमूवल, कोई टर्म्स ऑफ रेमुनरेशन दी है तो वो देखने वाली बात है. एंड स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस, डेविएशंस होती है वेरिएशंस या चेंजेस, यू नो, अगर कोई भी वेरिएशंस आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, किसमें? क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस अगर आती है जिसमें मॉनिटरिंग एजेंसी कुछ बताती है, यू नो, कि यहाँ यहाँ पे हमें डेविएशंस लग रही है, फ़र्क लग रहा है, बेसिकली डिफरेंसेस लग रहे हैं, तो उन्हें देखो. और एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड्स यूटिलाइज में अगर फ़र्क आता है, बहुत ही डेंजरस चीज़ है कि अगर कंपनी कहती है कि इतना फंड यूटिलाइज हुआ और कहीं से रिपोर्टिंग से निकल के आता है कि कम फंड यूटिलाइज हुआ, इट्स गोइंग टू बी रियली डेंजरस. सेबी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है. देखो, लोगों का पैसा इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोना बी दैट इजी, बट दैट इज इट. सेबी का जो यू नो कॉन्सेप्ट है या सेबी का जो पोर्शन है वो काफ़ी कम ही मान लो. सो रेगुलेशन 18 में सब रेगुलेशन 1, 2, 3 इन चीज़ों से डील करती है, एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट कमेटी. तो कल की और आज की वीडियो आप मिलाकर देख सकते हो. ऑडिट कमेटी का पूरा टॉपिक कवर कर दिया है, एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ और प्रोफेशनल में ESG का जो ऑडिट कमेटी का पोर्शन है वो हमने कवर कर लिया है. सो कल आई विल बी मीटिंग विद अनदर कमेटीज, जो बाकी बची हुई कमेटीज हैं उनकी वीडियो मैं कल पोस्ट करूंगी, राइट? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. और इस सैटरडे भी एक बहुत ही यूजफुल सी वीडियो आने वाली है रिलेटेड टू सम टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग एग्जाम्स, जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, राइट? आई सी यू सुपर सून अनदर वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन. बाय बाय.